नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्य पाठशाला के साथ और आप सुन रहे हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो जैसा कि आज हम लोग जो अभी कर रहे हैं, इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम लोग काफ़ी ड्रग कंसीडर कर चुके हैं, उसी क्रम में आज जो आज जाने वाली है, आज जो हम पढ़ेंगे अर्जुन के बारे में। तो अर्जुन क्या है, एक कषाय स्कंद के गुड़ में इसको रखा गया है और उदर रोग को प्रशमन करता है, ठीक है। और जैसा कि चरक ने बताया इसको, तो देखिए अब इसकी हम लोग बात करते हैं तो अर्जुन को कहुआ भी कहते हैं। क्या? कहुआ, ठीक है। तो कहुआ कहते हैं, ऐसे करके हम इसको पूरा देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो टर्मेलिया अर्जुना, सीधा याद हो जाएगा टर्मेलिया अर्जुना। और इसकी जो फैमिली है कॉम्ब्रिटेसी, ठीक है, कॉम्ब्रिटेसी इसकी फैमिली है। अब पर्याय की बात करते हैं तो पर्याय में पहला आता है धवल। इसको धवल क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा है इसकी जो बाह्य त्वचा होती है ना, बाह्य त्वचा जो होती है वो हल्की सी वाइटिस होती है, सफ़ेद टाइप की होती है, इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा जो आता है कुकुम्ब। अब कुकुम्ब इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फैला सा, जो इसके जो पत्र होते हैं थोड़ा फैला सा होता है, ठीक है, इसलिए इसको कुकुम्ब कहते हैं। अब बात आती है वीर वृक्ष की, या बीर की कहते हैं। अब इसको बीर क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये इसका जो क्या कहते हैं, जो पेड़ होता है वो एक थोड़ा सा स्थूल होता है, ठीक है। अब देखो इंद्रज क्यों कहते हैं इसको, इंद्रज क्यों कहते हैं, इसका जो वृक्ष होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो बीर वृक्ष इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जो इसकी लकड़ी होती है वो बहुत स्थूल होती है, दृढ़ होती है, ठीक है, इसीलिए इसको बीर वृक्ष कहते हैं। और नदी सर्ज क्यों कहते हैं इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नदी सर्ज क्यों कहते हैं, नदी अक्सर आप देखेंगे इसको तो नदी नालाओं के किनारे ही पे हो सकती है, ठीक है, सब मतलब सबसे ज़्यादा प्रायिकता ये रहती है कि नदी नालाओं के किनारे ही पाई जाती है, इसलिए इसको नदी सर्ज कहते हैं, ठीक है। और साज वृक्ष के अकॉर्डिंग दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको नदी सृज कहते हैं। इसका जो मुख्य कर्म है वो हृदय है। अब हृदय है तो जाहिर सी बात है रक्त व संस्थान पर कर्म करेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो स्वरूप है वो वृक्ष होता है, 30 से 60 फीट होता है, ठीक है। इसका जो प्रयोजन अंग है त्वक है, ठीक है। अब इसके रसपंचक की बात करते हैं तो इसमें रस जो होता है वो कषाय होता है, गुरु होता है लघु और रूक्ष होता है, वीर इसका सीत होता है, विपाक कटु, दोष कर्म कपित्त सामक। शुरू करते हैं, लास्ट तक देखते हैं। अर्जुन का जो नाम होता है दूसरा कहुआ नाम होता है, टर्मेलिया अर्जुना इसका नाम है, कम्ब्रिटेसी फैमिली है, पर्याय क्या है, धवल। धवल क्यों है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बाहर का जो थोड़ा सा जो सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है इसलिए। और कुकुम क्यों कहते हैं, कुकुम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं बहुत फैले से होते हैं, विस्तृत होते हैं, ठीक है। वीर इसको क्यों कहते हैं, स्थूल होता है। इंद्रज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है। अब वीर वृक्ष इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कांड इसकी लकड़ी होती है ना, कांड पोषण होता है, कांड भाग होता है, वो बहुत स्थूल और दृढ़ होता है, ठीक है। नदी सर्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि नदियों के किनारे पाया जाता है, इसलिए नदी सर्ज कहते हैं। इसका जो रसपंचक है, रस क्या है, कषाय है, गुड़ क्या है, लघु रूक्ष है, वीर क्या है, सीत है, विपाक क्या है, कटु, दोषकर्म क्या है, कफित सामक, ठीक है। हमने आज इसको देखा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब जो इसको देख रहे हैं, ये देखिए अर्जुन पादप की ये कांड है, ठीक है, कांड, ठीक है, तो वो वाला कांड नहीं, एक जो इसका जो तने को ही हम लोग कभी कभी कांड कहते हैं, ठीक है, आयुर्वेद में। और देखिए प्रयोजन तक देखिएगा, ठीक है, अर्जुन पादप के ये तो हो गया, ठीक है, सॉरी पादप ये हो गया और त्वक मुख, तो क्या हो गया ये, ठीक है, हो गया। तो इसी प्रकार से हमने आज क्या देखा, अर्जुन के बारे में आज हमने पढ़ा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, आयुर्वेद गुरु से शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, ठीक है। मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।